दोस्तों आज की जो खबर है आप सभी लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो भी लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं यानी बीमा कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है और ये कहीं ना कहीं पर बड़ी राहत की खबर है। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं अपने देश में जो काम कर रही हैं उन सबके लिए राहत की खबर है और इसमें हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। सारी बीमा कंपनियां लगी थी इस नियम में बदलाव लाने के लिए जो IRDA दिसंबर 2023 में लेकर आता है, जिसमें सरेंडर वैल्यू के बारे में बात की गई थी यानी पॉलिसी के सरेंडर के नियम में बदलाव की बात की गई थी। ये बदलाव क्या थे और आज की डेट में क्या बदलाव आएंगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इस तरीके की जो भी खबर आए इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने आप को उससे जागरूक कर सकें। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में अपने टॉपिक पर बने रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करें IRDA के एक ऐसे नियम के बारे में जो दिसंबर 2023 में IRDA अपने ड्राफ्ट के तहत लेकर आया था, जिसमें सरेंडर पॉलिसी के जो सरेंडर नियम होते हैं यानी कि पॉलिसी जब सरेंडर करने के जो नियम होते हैं उसमें बदलाव की बात की गई थी। और वो बदलाव ये था कि जो अगर मौजूदा में हम बात करें तो पॉलिसी के जो सरेंडर का नियम है वो ये कि 2 साल के बाद कोई भी कस्टमर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है और उसमें सरेंडर वैल्यू फैक्टर लगता है। लेकिन दिसंबर 2023 में जो ड्राफ्ट आया था उसमें IRDA ने कहा था कि ये जो सरेंडर फैक्टर वाली हम बात करें इसमें सरेंडर फैक्टर ना करके एक परसेंटेज की बात करेंगे और साथ में जो सरेंडर का जो ईयर है यानी कि जो दो साल के बाद जो सरेंडर होती है पॉलिसी, अब वो पहले साल भी सरेंडर कर सकता है कस्टमर। अब इस खबर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हड़कंप मच गया था और कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस कंपनी को लग गया था कि जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है यानी कि जो इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं पे बड़ा नुकसान होने की आसार दिख रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉलिसी सरेंडर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोग जाना नहीं चाहते तो पॉलिसी अगर पहले साल में सरेंडर का ऑप्शन मिलेगा तो काफ़ी लोग पॉलिसी सरेंडर करना शुरू कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं बीमा कंपनी को नुकसान होने का बड़ा खतरा आ रहा था। तो जब IRDA ने काफ़ी सारी बैठकें की और उसके बाद ये नतीजा निकला तो 20 मार्च को IRDA ने आखिरकार फैसला दिया बीमा कंपनी के साथ बैठने के बाद और सारे रिसर्च के बाद कि इस नियम को हम वापस ले रहे हैं और हम इस नियम को लागू नहीं करेंगे, जो कि नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था। अब राहत की बात है कि अब ये नियम वापस ले लिया है IRDA ने, क्योंकि बीमा कंपनियों का प्रेशर था और खास करके LIC का बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि अगर हम पॉलिसी धारक की बात करें पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो LIC के पास है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर ये एक कदम जो है IRDA का पीछे होने से इंश्योरेंस कंपनी को बहुत बड़ा राहत मिला और खास करके LIC के एडवाइजर्स को, अभिकर्ताओं को, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी अगर हम देखें मार्केट में तो सबसे ज़्यादा LIC की पॉलिसी बिकती है, बाकी कंपनियां शॉर्ट टर्म प्लान बेचती हैं। हालांकि अब LIC ने भी इस रुख को अपना लिया, क्योंकि जो हमारी यंगस्टर हैं जो आज की जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम कहते हैं वो लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं करती, वो शॉर्ट टर्म में जाती, तो LIC ने भी काफ़ी सारे प्लान अब शॉर्ट टर्म के लॉन्च कर दिए जिससे कि पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़ा बिजनेस कराया जा सके। अब अगर हम डेटा की बात करें जो IRDA के सामने कंपनी ने रखा था, तो जो 100 पॉलिसी अगर होती है किसी भी कंपनी की, अगर हम पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें 100 पॉलिसी में से 5 साल बाद, मतलब 100 पॉलिसी में से 90 पॉलिसी की जो लाइफ होती है वो 5 साल होती है, यानी कि 5 साल के बाद 90% पॉलिसियाँ सरेंडर के लिए आ जाती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद होती है वो होती है नॉन पार पॉलिसी की, यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा तादाद होती है, जिस पॉलिसी में बोनस नहीं होता है, जिस पॉलिसी में कोई गारंटेड वैल्यूज नहीं होती है, तो वहाँ पे पॉलिसी सरेंडर, जैसे कि हम बात करें यूली प्लान की, यूली प्लान जो होता है नॉन पार्टिसिपेशन पॉलिसी होता है, यानी कि उसके अंदर कहीं पे भी कंपनी कोई डिविडेंड या किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं देती एडिशनल, तो जो ग्राहक है वो कुछ टाइम के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर दे। इसी वजह से आप देखेंगे यूली प्लान के अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 ईयर्स का है, ताकि 5 साल तक निवेशक उसमें रहे और उसका कुछ फ़ायदा लेके जाए। तो इस तरह से जो सर्वे निकल कर आया उसमें यह आया कि 5 साल तक की लाइफ होती है नॉर्मल एक पॉलिसी के एंडमेंट प्लान की, तो अगर हमने ये सरेंडर का रूल लागू कर दिया 1 अप्रैल से तो ये लाइफ जो 5 साल तक जा रही है ये पहले साल ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं पे अभिकर्ताओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा, साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को होगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी और सोचा कि आपको ये अपडेट करूँ ताकि आप भी अपना मनोबल बना कर रखें कि अब ये कदम पीछे हो चुका है, तो अपने काम को जोरों शोर से करो और मार्च का महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं क्लोजिंग होने में और सभी लोग व्यस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे चैनल का जो मिशन है वो यही कि एडवाइजर से जुड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जो भी खबरें हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद और इस
जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने भाइयों और बहनों में जो इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी अपनी इस जानकारी से अपने आप को अवगत कर सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें और आने वाले कदम को इसी हिसाब से रखें। आने वाले वक्त में बीमा सुगम की हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं, तो जैसे ही वक्त मिलेगा उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे और डिटेल में हम बात करेंगे बीमा सुगम की लॉन्चिंग कब है और बीमा सुगम आने से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।